नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में वाइट बोर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप को हम मोबाइल में यूज़ करते हैं तो उसमें वाइट बोर्ड का फंक्शन नहीं है, हम उस पर कुछ भी नहीं लिख पाते हैं। और ख़ासकर अगर आप एक मैथमेटिक और साइंस की टीचर हैं तो आपको तो बहुत ज़रूरत पड़ती होगी, आपको तो बहुत ज़रूरी है कि विदाउट वाइट बोर्ड आप किस प्रकार से अपने स्टूडेंट को कोई चीज़ को या कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में वाइट बोर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मोबाइल स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको अभी पहला तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आपको अपने जो टीम ऐप है उसके ऊपर उसको ओपन कर लीजिए, उसमें लॉगिन हो जाइए। ठीक है, लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा, यहीं से आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हो। इसमें देखिए आप नीचे की तरफ तीन डॉट है, इस तीन डॉट को जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा शेयर ऑप्शन। तो शेयर ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा शेयर वीडियो। हमने शेयर वीडियो को करा। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप जो है अपना बैक कैमरा यूज़ करेंगे। आप यहाँ लिखा है स्टार्ट प्रेजेंटिंग पे जाएंगे तो ये देखिए आपको बैक कैमरा से जहाँ पर आप पढ़ाते हो, जिस जगह पे आप पढ़ाते हो अपने घर में, वहाँ पर एक बोर्ड रख लीजिए, वाइट बोर्ड। और वाइट बोर्ड पे आप कुछ भी लिखकर आप पढ़ा सकते हो। जैसे कि अक्सर कोचिंग में अक्सर लोगों के पास वाइट बोर्ड होते ही है, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कैसे भी बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो टांगने वाले बोर्ड आते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, चाक का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इजीली आप इस तरह से पढ़ा पाओगे, जो भी आप पढ़ाना है आप पढ़ा पाओगे आसानी से। और ये यहाँ पे जब आप पढ़ाओगे तो बच्चे को ऐसे समझ में आएगा जैसे वो क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। इसके लिए भी आपको पहले ये थ्री डॉट जो डली है यहाँ पे जाना पड़ेगा। थ्री डॉट के बाद शेयर ऑप्शन पे जाएंगे, शेयर ऑप्शन के बाद ये जो शेयर वीडियो इस पे जाएंगे। शेयर वीडियो पे जाने के बाद आप अपना जो बैक कैमरा है वो ओपन कर सकते हैं। बैक कैमरा ओपन करके जैसे कि आप एक कापी ले लीजिए, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको समझाना है बच्चों को आप लिख कर इस प्रकार से समझा सकते हो। जो भी आपको समझाना है, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का हो, किसी का भी हो, ईजिली आप इस प्रकार से समझा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा नीचे स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग लिखा है, तो अगर आप स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग करेंगे तो इस समय बच्चों को ये क्वेश्चन दिखता रहेगा। जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे ये क्वेश्चन बच्चों को दिखता भी रहेगा और बच्चों को आसानी से समझ में भी आएगा। तो आप इस टेक्निक का यूज़ करके, क्योंकि इसमें वाइट बोर्ड फंक्शन तो है नहीं तो हमें किसी तरह से बच्चों को तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, तो आप इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो। और जब आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप स्टॉप प्रेजेंटिंग करके आप इससे बाहर निकल सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी तीसरी ट्रिक। तो फिर से आपको क्या करना है कि आपने ये थ्री डॉट है वहाँ पर जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद शेयर ऑप्शन पे जाना है। शेयर ऑप्शन के बाद आप देख रहे हैं नीचे सबसे फोर्थ नंबर पे जो लिखा है स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, इसके ऊपर जाना है। जैसे आप शेयर स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा स्टार्ट नाउ, तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आप इस स्क्रीन पे जाओगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले से ही एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है वाइट बोर्ड। जैसे आप वाइट बोर्ड ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके पास एक वाइट बोर्ड आ जाएगा। इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए इरेजर है, आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर आप चाहो तो उस कलर से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये आप इजीली इस प्रकार से लिख पा रहे हैं। ओके, तो ये तीन तरीके थे जिसके थ्रू आप वाइट बोर्ड फीचर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।